जनता वास्तव में जिंदा दिली है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर तन मन व धन से सहयोग करने के लिए अग्रणी रहती है। समाना किसी भी काम रिपोर्ट, को अगर दिल से किया जाए तो वह काम हमेशा लोकप्रियता देता है। यह शब्द परवर पुलिस अधीक्षक शशांक आनंद ने झांझ गेट पुलिस चौकी का उद्घाटन करते हुए वहां मौजूद सैकड़ों व्यापारियों दुकानदारों को अपने संबोधन में कहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सचिव जवाहर सैनी, पूर्व पार्षद संतलाल चुग, डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, पार्षद गुलशन आहूजा, पार्षद हरीश अरोड़ा, पार्षद राकेश चुग, पार्षद रिंकू नागर, मनोनीत पार्षद अनिल नागपाल, डीएसपी कप्तान सिंह, डीएसपी परमजीत सिंह समोता, एसएचओ समुद्र सिंह, चौकी इंचार्ज नरेश। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से चौकी के अंदर भी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित रहे, जिसका जींद की जनता से भरपूर आभार भी व्यक्त किया। एसएसपी शशांक आनंद ने कहा कि झांझ गेट पुलिस चौकी का उद्घाटन होने से पहले ही चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने कई बड़ी वारदात, चोरी, वाहन चोरी, नशे का कारोबार करने वाले वारदातों का खुलासा करने का काम किया है। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार की एसएसपी ने पीठ भी थपथपाई। शहर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में एक नई अस्थाई पुलिस चौकी की स्थापना करी गई है और इसका लोकार्पण किया गया है, और इस चौकी का नाम पुलिस चौकी झांझ गेट से होगा, जिसमें बहुत सारे अहम इस क्षेत्र के कॉलोनियां और क्षेत्र यहां पे आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसा एक यूनिक मॉडल है जिसमें यहाँ के लोगों ने खुद अपना योगदान देते हुए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस चौकी का निर्माण करवाया है। और ना सिर्फ निर्माण बल्कि यहाँ पे 18 सीसीटीवी कैमरे इस चौकी के अंदर लगाए गए हैं, जो कि इस पूरे क्षेत्र को 24 घंटे सीसीटीवी सर्वेलेंस में कवर करेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग यहीं चौकी के अंदर होगी और किसी भी अपराध की रोकथाम में सीसीटीवी कैमरे जो हैं बहुत ही कारगर हैं। और हमें उम्मीद है कि इस सीसीटीवी कैमरे सिस्टम से और यहाँ इस नई चौकी से हम इस क्षेत्र में अपराध को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में कामयाब होंगे। देखिए, अभी शुरुआत में हमने यहाँ पे 10 का स्टाफ लगाया है, लेकिन आगे सरकार को हमने इसका प्रपोजल भी भेजा है कि इसकी सैंक्शन जल्द से जल्द दी जाए ताकि यहाँ पे बढ़ा के और स्टाफ लगाया जाए। इसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड करी गई है और अन्य और भी कई सुविधाएं इस चौकी में दी गई हैं और आने वाले समय में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ जींद बल्कि हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी चौकी होगी जिसके अंदर 18 कैमराज का रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा, और यहाँ के पुलिस स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी देन है ये यहाँ के लोगों की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है वो विशेष तौर पर इस बात का हमेशा धन्यवादी रहे और यहाँ के लोगों की ईमानदारी से और निष्ठावान तरीके से कर्मठ सेवा करें। देखिए, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इस इलाके में हमें चौकी खोलनी पड़ी थी, क्योंकि आए दिन यहाँ पे अपराध होते थे, मर्डर जैसी घटनाएं होती थी। और यहाँ पे जब से हमने इस चौकी की पिछले दिनों से जो स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया था, तो जब से पुलिस की मौजूदगी इस क्षेत्र में बढ़ी है तो कई ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं, और एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल रोहताश और इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी सारी चोरियों का खुलासा करा है, मोटरसाइकिल चोर भी पकड़े हैं, और हमें उम्मीद है आगे भी ये इस प्रकार से इस इलाके की बढ़िया सेवा करते रहेंगे। आजाद टीवी न्यूज़ के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता की रिपोर्ट।